और अगर आप नए हैं मेरे इस चैनल पे तो वेलकम टू माय चैनल इंडियन ब्लॉगर मालिनी। और मैं हूँ मालिनी। तो आज है वेडनेसडे एंड अभी टाइम हो रहा है सुबह के 9 AM और अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे। एक्चुअली आज है छुट्टी का दिन और छुट्टी इसलिए है क्योंकि आज है ईद। तो ईद मुबारक टू ऑल ऑफ यू गाइज। आज का डे आप लोग बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए। तो अभी हम लोग सबसे पहले तो ब्रेकफास्ट कर लेंगे और ब्रेकफास्ट में आज कुछ मैं अलग बना रही हूँ जो कि एवरीडे हम लोग नहीं खाते। बहुत ही सिंपल बट बहुत ही टेस्टी। रोज़ क्या होता है ना, कॉर्नफ्लेक्स नहीं तो फ्रूट्स नहीं तो यही सारे बोरिंग खाना ही खाते हैं ब्रेकफास्ट में। तो सोचा क्यों ना आज थोड़ा सा कुछ अलग खाते हैं। मुझे पता है ये इतना ज़्यादा हेल्दी तो नहीं है बट समटाइम्स चलता है ऐसा ब्रेकफास्ट। तो आज हम लोग मैं बना रही हूँ एक्चुअली ब्रेकफास्ट के लिए मैगी। और मैगी को मैं टिपिकल जैसे बनाते हैं वैसे नहीं बना रही, थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल से बना रही हूँ। पहले मैंने मैगी को बॉईल कर लिया है। मैं चलिए आपको दिखाती हूँ मैं कैसे बना रही हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पे मैगी को जो है वो पहले ही बॉईल कर लिया थोड़ा सा नमक डाल के। और यहाँ पे मैं पैन में एक्चुअली थोड़ा बटर गरम किया है। बटर में मैं थोड़ा सा अनियन को फ्राई कर लूँगी एंड उसके बाद सारे मसाले डाल के देन मैं मैगी को ऐड कर दूँ ऐसा नूडल्स जैसा। तो मैंने यहाँ पे अनियन भी चॉप करके रखा है तो मैं इसको डाल दूँगी अभी। थोड़ा सा क्यूकम्बर कट के मेरे हस्बैंड को देने के लिए और मैं बाद में वाटरमेलन खाऊंगी। एक्चुअली क्या है ना, फ्रिज से जो डायरेक्टली मैं फ्रूट्स निकाल के मैं खा नहीं पाती हूँ। फ्रिज से निकाल के मैं थोड़ी देर बाहर रखती हूँ देन मैं खाती हूँ, नहीं तो वो ठंडा फ्रूट्स खाने से मुझे थोड़ा सा सर्दी लग जाती है। तो मैं बाहर निकाल के रखा है, उसके बाद में थोड़ी देर बाद वो मैं खा लूँगी। अभी फिलहाल मेरा मैगी बन जाए उसके बाद हम लोग फटाफट ब्रेकफास्ट कर लेंगे। एक्चुअली मैंने सोचा कि आज जब छुट्टी का दिन है तो उसका थोड़ा सा तो फायदा उठाना चाहिए ना, तो इसीलिए हम लोग बाहर जा रहे हैं, शॉपिंग मॉल ही जा रहे हैं। और कहाँ जाएंगे बैंगलोर में, इतना कुछ मतलब कोई घूमने के लिए इतना भी कुछ जगह नहीं है कि हम लोग जा सके। तो शॉपिंग मॉल ही जा रहे हैं, कुछ थोड़ा सा कुछ लेना भी है तो वो भी हो जाएगा। और देखते हैं आगे हम और क्या करते हैं, कोई मूवी वगैरह देखते हैं या नहीं वो अभी तक कुछ डिसाइड तो नहीं किया, बट हाँ शॉपिंग मॉल तो जाएंगे और कुछ खरीदना भी है वो सब भी हो जाएगा। तो मैंने हाँ थोड़ा सा मॉर्निंग के बाद मैंने बहुत सारा मतलब टाइम मैंने व्लॉग नहीं किया है क्योंकि मैं थोड़ा सा कुछ काम में बिजी हो गई थी तो वो नहीं कर पाई। तो मैंने सोचा क्यों ना, जब मैंने आज व्लॉग स्टार्ट ही किया है तो मैं उसको कंटिन्यू तो करना चाहिए। तो मैं सोचा जब हम अभी बाहर जा रहे हैं तो मैं क्यों ना अभी इस व्लॉग को कंटिन्यू करती हूँ। तो चलिए अभी मैं रेडी हो गई हूँ, हम लोग अभी निकलने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं बाहर जाके, मैं आप लोगों के साथ फिर से मिलती हूँ।
इवनिंग से कहीं जाने का बाहर प्लान था, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे हस्बैंड को एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गया तो वो काम में लग गए वो, और हम बहुत लेट निकले। तो अभी एक्चुअली हम लोग सबसे पहले गए थे फिनिक्स मॉल, और वहाँ पे मुझे एक दो कॉस्मेटिक्स लेना था मेनली, तो इसी के लिए गए थे। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और भी एक चीज़ था, वो है कि हम लोगों ने वहाँ पे एक डेजर्ट खाया, वो है वॉफल। लास्ट टाइम जब मैंने कहा था इसका वॉफल इतना ज़्यादा टेस्टी था, तो मैंने सोचा क्यों ना अभी गए तो वो भी खा लेते एक बार, बहुत टेस्टी था। एंड देन मैंने कुकीज़ भी लिया, कुकीज़ भी इसका जो है बहुत फेमस है और बहुत टेस्टी भी होता है, तो डिफरेंट डिफरेंट मतलब फ्लेवर्स के मिलता है। अभी एक्चुअली हम लोग जा रहे हैं एक रेस्टोरेंट, और वहाँ पे एक्चुअली बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स हैं, तो वहीं पे हम लोगों ने सोचा क्यों ना आज सबके साथ मिलते हैं। तो बस वही, पहले एक्चुअली हम लोग का प्लान नहीं था कि हम लोग भी जाए, लेकिन फिर बाद में सोचा कि थोड़ा जल्दी हो गया और टाइम भी है, और घर पे जाके क्या करना है, कुछ काम भी नहीं है, सिर्फ खाना ही बना के खा के सोना है, तो सोचा क्यों ना मिल लेते हैं, थोड़ा अच्छा भी लगता है ना। हमेशा ऐसे ही हम लोग कुछ ना कुछ मॉल वगैरह घूमने से अच्छा है कि कभी कभार ऐसे फ्रेंड्स से मिले, तो वो बहुत ज़्यादा मज़ा भी आता है एंड अच्छे से टाइम स्पेंड होता है। एक्चुअली जब एक्चुअली हम लोग फैमिली से दूर रहते हैं तो फ्रेंड्स ही हम सबसे ज़्यादा अपने होते हैं, तो ये बहुत अच्छा लगता है कि हम जब फ्रेंड्स के साथ मिलते हैं। तो वहीं पे हम लोग जा रहे हैं, और जो जगह जा रहे हैं वो रेस्टोरेंट मैं पहली बार जा रहे हैं, एक्चुअली हम लोग ही फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, तो पता नहीं कहाँ है कैसा है, तो जाके मैं दिखाती हूँ वो जगह कैसा है। तो चलिए चलते हैं। देखा मैंने दिखाया यहाँ पे बहुत सारे मतलब रेस्टोरेंट्स है, मतलब ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है। जब भी हम आते हैं कोई ना कोई न्यू जगह पे ही आते हैं, और हर एक बहुत अच्छा होता है। तो चलिए यहाँ पे चलते हैं। ये वाला जो रेस्टोरेंट है ये कैफ़े है, होममेड कैफ़े, तो देखते हैं जाके कैसा है। मैंने ऑनलाइन फ़ोटोज़ तो देखा है, तो फ़ोटोज़ तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा है, तो चलिए अंदर जाके मैं दिखाती हूँ कि कैसा है। मैंने थोड़ा सा वहाँ का जो एम्बियंस है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, थोड़ा सा वीडियो लिया। वो जगह जो इसका एम्बियंस तो मुझे अच्छा लगा, बट हम लोगों ने कुछ खाना तो नहीं खाया, बट ऐसे सुना कि सबसे के खाना इतना भी फूड क्वालिटी अच्छा नहीं है, तो मैं कुछ कमेंट नहीं करूँगी क्योंकि हमने जब नहीं खाया तो मुझे नहीं पता, तो मैं कुछ भी नहीं बोल सकती। तो अभी फिलहाल हम लोग जा रहे हैं एक दूसरे रेस्टोरेंट में। ये दूसरे रेस्टोरेंट जो जा रहे हैं वहाँ पे हम लोग पहले भी गए, तो वहाँ का पता है कि सब कुछ कैसा है, तो वहाँ का खाना भी ओके अच्छा ही है, जैसे कि पिज्ज़ा बहुत टेस्टी था, तो वही सब खाएंगे देखते हैं कैसा, और एनवायरनमेंट भी काफ़ी अच्छा है, तो चलिए वहाँ पे अभी चलते हैं। घर पे आ गए हैं,
और आज बहुत मजे किए सबसे मिलके, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया हम लोगों ने। वो सारे क्लिप्स तो छोटे छोटे मैंने लिया है, वो तो आप लोगों के साथ शेयर किया ही है मैंने। लेकिन मैंने ऐसे ही रेस्टोरेंट का कैसा मतलब एम्बियंस है क्या, ये सब मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और अभी आप लोग देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी चेंज भी कर लिया है, क्योंकि बहुत अनकंफर्टेबल सा हो रहा था, काफी देर से हम लोग बाहर थे तो मैंने फटाफट आके चेंज कर। और मैंने अभी तक मेकअप रिमूव नहीं किया, मुझे मेकअप को भी रिमूव करना है। एक चीज मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कि मैं मेकअप रिमूव करने के लिए क्या यूज करती हूँ। मैं मेकअप रिमूव करने के लिए यूज करती हूँ गार्नियर का मिसलर ऑयल इन्फ्यूज क्लिंजिंग वाटर। अंदर का जो लिक्विड है वो येलो कलर का है, और उसका कैप जो है वो है व्हाइट। ये वाला जो है ये कोई भी टाइप का, मतलब आपके फेस आईज लिप्स में कोई भी टाइप का क्यों ना मेकअप हो, चाहे वो कितना भी ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो, वाटर प्रूफ हो या स्मज प्रूफ हो, वो एकदम मतलब एक स्वाइप में रिमूव कर देता है। बहुत अच्छा है। मैं जनरली इससे यूज करती हूँ अपना आई मेकअप एंड लिप मेकअप रिमूव करने के लिए, क्योंकि वो सबसे ज्यादा मतलब वाटर प्रूफ होता है, इसलिए मैं वो इससे रिमूव करती हूँ। और बाकी पूरे फेस के लिए मैं नॉर्मल क्लेंजर, कोई भी क्लेंजिंग मिल्क, ये सब यूज कर लेती हूँ। सबसे पहले अपना मेकअप रिमूव कर लेती हूँ एंड देन फ्रेश हो जाती हूँ। सो गाइज, आई होप कि आप लोगों को मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। एंड अगर आप नए हैं मेरे इस चैनल पे, तो अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए, मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।